गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं डेविल्स प्ले ग्राउंड, जो कि बिल्कुल एकदम नया आया है। इससे पहले यहाँ पे मैं एक कॉस्ट्यूम देख रहा हूँ जो आया है। आप लोग को कैसा लगा इस कॉस्ट्यूम इस नए अपडेट में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और इसमें एक और नया अपडेट आया है, जैसे मिशंस वगैरह आपको कंप्लीट करोगे तो कॉइन्स वगैरह मिल ही जाएगा। तो यार बढ़ते अपने डेविल्स प्ले ग्राउंड की तरफ, काफ़ी मस्त अपडेट आया है। तो यार 5 4 3 2 1 एंड लेट्स गो। स्टार्ट हो चुका है हमारा और पहली बार हम लोग खेलने जा रहे हैं। आप लोग देख ही सकते थे अभी आया था और अभी डाउनलोड हो रहा है रिसोर्स, ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, काफ़ी इंटरनेट स्पीड है फिलहाल। देखो यार हो गया हमारा डाउनलोड, तो यार देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे। यार काफ़ी यहाँ लॉबी तो पहले जैसे ही है, जैसे नॉर्मल लॉबी होती है, लेकिन बट आगे देखते हैं इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। गाइज लोडिंग स्क्रीन आया और डेविल्स प्लेग्राउंड करके आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो चार टीम है और द डेविल इज लावा बट विथ एन इलेक्ट्रिकल शॉट ऐसे करके आया था अभी। तो मैं हूँ पर्पल टीम में, देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। और यहाँ पे हम लोग क्या करना है, देखो जहाँ पे ऊपर आप लोग देख ही सकते हो जिस टीम का सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वही टीम जीतेगी, पूरी टीम जीतती है। और आप लोग देखोगे कि कैसा यहाँ पे होता है सीन, आपको वो रेड वाले पे नहीं रहना है जब वो रुकेगा, म्यूज़िक नहीं बोल सकते, जब डेविल अपना गिटार बंद करेगा 5 4 3 2 1 ऐसे करके आता है, उस समय आपको बिल्कुल हो जाना है कि भाई अब तो रुकने वाला है, आपको किसी भी तरह रुक के और अच्छे से रुक जाना है एक जगह पे और रेड वाले पे बिल्कुल भी स्टेप नहीं करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जो भी रहता एलिमिनेट हो जाता वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एलिमिनेट हो चुका हूँ, तो इसीलिए पहला गेम था। बट इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड इसको करता हूँ और नेक्स्ट वाला गेम दिखाता हूँ। नेक्स्ट वाला गेम काफ़ी ओपी है। और यहाँ पे एंड होने वाला है, बाकी सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, आपका ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते रहेगा, ये रेड वाला जब भी आपका राउंड ख़त्म होगा, कभी 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा ऐसा करके होता है। तो ब्लू वाले ये पर्पल वाली टीम जो है जीत चुकी है मेरी। नेक्स्ट वाले गेम पे आते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं हूँ ऑरेंज टाइटन्स पे, अलग अलग नाम रहता है, अभी ऑरेंज टाइटन्स आया है नाम हमारा, और ग्रीन ब्लू और पर्पल हमारे अपोनेंट है, हम लोग को किसी तरह इसे हराना है। बहुत अच्छा गेम होने वाला है ये वाला, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये डेविल्स प्ले ग्राउंड। आपको कैसा लगा, अगर आपने खेला है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो और यहाँ पे हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं पहली बार में कितने बंदे एलिमिनेट होते हैं। ओके सो रुक गया भाई, 2 बंदे एलिमिनेट हो गए भाई, क्योंकि पहला गेम था, मैं उतना अच्छा से नहीं खेला हुआ था, बट मैं किसी तरह पहले ही राउंड में चल दिया भाई। लेकिन ये वाला काफ़ी ओपी है, चलो देखते हैं इसको। ओके भाई साहब यहाँ पे देखो 3 2 1 आ गया, और इधर से भाग लेना भाई, जब भी 4 3 2 1 आए रेड वाले से भागो भाई, मज़ा आता है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग। अब 2 आ गए भाई 2 रेड वाले आ गए गाइज यहाँ पे, और हमें रुकना होगा 5 4 3 हाँ आ गया भाई 5 4 3 2 1। ओके सो यार बच गया फिर से। सो ऑरेंज टीम वाले ही दोनों हैं लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है टीम भी जीतती है, बट ये भी देखना पड़ता है प्रो प्लेयर कौन है, मुझे तो लग रहा है सेंटा वाला प्रो प्लेयर है, देखते हैं कौन जीतता है। ओके सो टीम के साथ ही कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं भाई, 3 2 1 एंड लेट्स गो। यार निकल गए भाई दोनों निकल गए, ओपी यार। अब देखते हैं अब कौन जीत पाता है, राउंड 5 है भाई, बहुत हार्ड है राउंड 5, आप लोग देख ही सकते हो एक ही स्लाइड है, बहुत हार्ड आने वाला है, जो भी जीतेगा भाई सबसे ज़्यादा लकी होगा। ओके सो देखते हैं कौन जीत पाता है यहाँ पे, 5 4 3 2 1 एंड ओ भाई सेंटाओ को ओपी बोलते यार, सेंटाओ को शाउट आउट है यार, ओपी जीता है भाई मिस्टर प्रो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा ऑरेंज टीम जो है जीत चुका है, मैं लगातार 2 गेम जीत चुका हूँ, दोनों में एलिमिनेट लास्ट तक नहीं रह पाया हूँ, बट कोई बात नहीं यार, ये वाला गेम थोड़ा अलग था, ऑरेंज टीम ही जीती, लास्ट में ऑरेंज 2 बंदे थे वो जो है वो जीत चुका है। तो देखते हैं अगला गेम हमारा कैसा जाता है।
जो हमारा नेक्स्ट वाला गेम है वो स्टार्ट हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा ओपी है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, डेविल्स प्ले ग्राउंड आपने अपडेट किया होगा तो आपको मिल जाएगा। यार मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, कोई बात नहीं यार, आप लोग बोर हो चुके होंगे तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से आ चुके हैं ऑरेंज वाली टीम में, लेकिन इस बार है ऑरेंज एजेंट्स। अलग अलग नाम आते हैं भाई, बहुत सारे नाम हैं भर भर के। निंजा है, डिटेक्टिव है भाई, कोई पायरेट बनता है, कोई कलर। ओके आ चुका है हमारे गेम में राउंड वन। सर राउंड वन में अब कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी भी तरह राउंड वन पार हो ही जाता है। वो दो तीन चार वाला में बहुत हार्ड हो जाता है बाद में गेम। ओके सो भाई इतने सारे बंदे एलिमिनेट हो गए, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है भाई, लेकिन मेरी टीम से भी हो गए हैं। ओ भाई मेरे टीम से दो बंदे एलिमिनेट हो गए हैं, दो है एक स्कल वाला बंदा। देखते हैं यार क्या हो पाता है हमारे साथ। ओके सो बहुत मुश्किल से जा रहा हूँ भाई। ओके सो एक ग्रीन वाला एलिमिनेट हो चुका है, ग्रीन वाले एक भी बंदे नहीं है शायद, ग्रीन वाले नहीं यार दो बंदे हैं, और बेकार का बोल दिया, दो बंदे हैं ग्रीन वाले, ब्लू वाले भी दो बंदे हैं, पर्पल वाले सारे एलिमिनेट हो गए। नहीं भाई एक है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भाई, अभी तो नहीं थे ना। ओके सो गेम में फोकस करते हैं यार। ओपी यार इतने सारे बंदे फिर से एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी ऑरेंज टीम सबसे आगे चल रही है भाई, 16 पॉइंट्स है इनके पास। इनके पास क्या, मेरे पास यार, मैं ही तो जितवा रहा हूँ किसी तरह इन लोग को, मतलब मैं क्या, एक और टीममेट भी है साथ में, टेंशन नॉट ब्रो। सो यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई बहुत फास्ट, 3-2-1। ओके सो एक और मेरा टीममेट हो चुका है एलिमिनेट, लेकिन फिर भी अभी ऑरेंज एजेंट्स जो है लीड पे है। देखते हैं ये ग्रीन वाली टीम क्या कर पाती है अब, अगर हार गई तो यार क्या है। ग्रीन वाले की 15 पॉइंट्स है और हमारे भाई 23 पॉइंट्स। 3-2-1 भाई, 3-2-1। ओके सो मैं निकल चुका हूँ, बट एक ग्रीन वाला एलिमिनेट हो चुका है और ये लास्ट राउंड था। ऑरेंज एजेंट्स जो है जीत चुके हैं, मैं जीत चुका हूँ भाई। ओके सो आपको ये कैसा लगा डेविल्स प्ले ग्राउंड? डेविल्स प्ले ग्राउंड नहीं खेला तो अभी जाके खेलो, ये काफ़ी ओपी होने वाला है। और हमारा विक्ट्री हो चुका है, मैं जीता हुआ हूँ, ये फर्स्ट गेम है। गाइस क्या मैं डेविल्स प्लेग्राउंड की ही वीडियो आगे फ्यूचर में भी बनाऊं, मींस कल परसों तक जब तक डेविल्स प्लेग्राउंड रहेगा, या मैं अपना हाइड एंड सीक या मर्डर मिस्ट्री कंटिन्यू करूं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसी टाइप के वीडियोस आपको अपलोड करके देता रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।